हाँ डियर फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप अपने कंप्यूटर में या विंडोज़ में मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा है या पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं हो रहा था, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आप विंडोज़ के द्वारा मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर रहे हैं और कार्ड या पेन ड्राइव फॉर्मेट करने पर विंडोज़ एरर मैसेज दिखा रहा है और कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को उपयोग करना होगा। नोट, फॉर्मेटिंग करने से पहले सभी आवश्यक डेटा या हार्ड डिस्क में बैकअप ले लें। सबसे पहले मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड रीडर में लगाएं, फिर मेमोरी कार्ड रीडर को यूएसबी केबल के द्वारा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या यूएसबी पोर्ट में लगाएं। स्टेप फर्स्ट है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर रन विकल्प में से मेन्यू में से चुने रन, डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा। या कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करें जिससे रन विंडो दिखाई देगा। इस रन मेन्यू में या विंडो में आपको टाइप करना है सीएमडी टाइप कर ओके बटन को प्रेस करें, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। स्टेप थ्री, स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन दिखाई देगी। स्टेप फोर, कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर फॉर्मेट आई कॉलन लिख कर टाइप करें। यहाँ पर मेमोरी कार्ड का ड्राइव आई है, इसलिए यहाँ फॉर्मेट आई कॉलन दिया गया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट जिस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक इसी तरह से लिखना है। फॉर्मेट आई कॉलन टाइप करके फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने के लिए एंटर की को प्रेस करें या दबाएं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको इंसर्ट न्यू डिस्क फॉर ड्राइव आई एंड प्रेस इंटर व्हेन रेडी दिखाई देगा, जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है। देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है, देखिए एंड प्रेस इंटर व्हेन रेडी। नोट, हमेशा मेमोरी कार्ड ड्राइव या नाम ध्यान रखें, नहीं तो कोई दूसरा ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। स्टेप फाइव, अब एंटर की प्रेस करें, फॉर्मेटिंग प्रारंभ हो जाएगी। फॉर्मेटिंग करने के बाद यह आपसे मेमोरी कार्ड को नाम देने के लिए वॉल्यूम लेवल पूछेगा। अपनी इच्छा से आप कोई भी सही नाम टाइप कर सकते हैं या नहीं देना चाहते तो फिर से एंटर की प्रेस कर सकते हैं। स्टेप सिक्स, एग्जिट टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आने के लिए। फॉर्मेटिंग की समस्या को हल करने के लिए यह ट्रिक्स आपके बहुत उपयोगी होगी। इसी प्रकार आप अपने पेन ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत ही काम की ट्रिक है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप विंडोज़ में मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट नहीं हो रही तो इस ट्रिक के माध्यम से फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू।